हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आप लोगों की साइड से मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि सिमरन हमें असाइनमेंट्स कैसे कंप्लीट करने हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है रिगार्डिंग दी असाइनमेंट्स, बट स्टिल मैंने सोचा कि एक फुल फ्लेज के बजाय एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, क्योंकि आज मैं अपने सेकेंड सेमेस्टर के असाइनमेंट स्टार्ट कर रही थी। सो आई थॉट कि अपना असाइनमेंट्स करते टाइम एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ आपके लिए, सो दैट कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि बेसिकली हमारा असाइनमेंट्स का जो इंटरफेस होता है वो किस अकॉर्डिंग होता है, क्या उसके मार्क्स हैं, वो मार्क्स हमारे फाइनल में ऐड ऑन होते हैं या फिर नहीं, एंड क्या हमारा टाइमर चलता है, कितना टाइम हमें मिलता है, क्या हम कैसे अपना असाइनमेंट्स को प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो एक ऑल अबाउट असाइनमेंट्स होने वाली है फॉर दी न्यूली इनरोल्ड स्टूडेंट्स। बाकी जो ऑलरेडी इनरोल्ड है उनको तो पता हो गई कि हमारे असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, बट स्टिल मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूं। सो गाइज, आप ये देख सकते हो कि मेरे अमीगो पोर्टल के ऊपर हम आ गए हैं। हमारा थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हुआ है, बट इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। आई एम योर AI टीचिंग असिस्टेंट, तो आप यहाँ पर अपने डाउट्स को भी अगर क्लियर करना चाहो देन यू कैन इजिली आस्क फ्रॉम हेयर। यहाँ पर आप साइड पे ब्रॉड डाउन जो मेन्यू आता है हमें इस पर क्लिक करना है। थ्री डॉट्स आते हैं, थ्री डॉट्स के बाद आप देख सकते हो मेरे यहाँ पर सारे सेमेस्टर्स के मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे बिजनेस रिसर्च मेथड्स का अपना सेकेंड सेमेस्टर का असाइनमेंट करना है, एंड देन आई विल क्लिक हेयर। मैं बिजनेस रिसर्च मेथड्स के ऊपर क्लिक करूंगी। अब ये आप देख सकते हो कोर्स सिनॉप्सिस है, हमें यहाँ पर सारा टिक टिक करना होता है। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोज में बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। ये जो आप माइलस्टोन देख रहे हो ना, हमें माइलस्टोन ही कंप्लीट करने होते हैं। माइलस्टोन वन की डेडलाइन आप लोगों को पता है कि 22nd of April है, आज 20th April है, तो मतलब 2 दिन बाद हमारा ये डेडलाइन है जो कि हमें कंप्लीट करनी है 22 अप्रैल से पहले। बट देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो डेडलाइन है ना, ये कंपलसरी नहीं होती। जो आपकी फाइनल जो 5th मॉड्यूल की जो डेडलाइन है ना, वो ही फाइनलाइज होती है। आपको उसके पहले पहले आपके सारे असाइनमेंट्स भी अगर कंप्लीट कर लोगे तभी चलेगा। ऐसा ये नहीं होता कि अगर 1st मॉड्यूल अगर हमने मिस कर दिया, अगर हमने 22 अप्रैल से पहले पहले नहीं करा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। जो फाइनल डेडलाइन होती है ना, जो 5th मॉड्यूल की जो डेडलाइन होती है, वो कंपलसरी है कि आप उस डेडलाइन के पहले पहले अपने सारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके अपना सबमिट करवा दो। आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये मेरा हल्का सा अभी 10% कंप्लीट हुआ है, बिकॉज यहाँ पर मैंने टिक कर दिया। तो अब यहाँ से जैसे जैसे आप अपने यहाँ से अपने ये वीडियो लेक्चर्स को देखते जाओगे, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट करते जाओगे, यहाँ पर आप टिक करते रहना, एंड अकॉर्डिंगली ये जो आपकी लाइन है ना, ये बिट बाय बिट ऐसे फिल होना रेडी हो जाएगी। तो ये फिल होती रहेगी। तो आपको 100% कंप्लीट करना है, दैट मीन्स आपका माइलस्टोन 1 कंप्लीट हो गया। बट माइलस्टोन 1 सिर्फ इसी असाइनमेंट का माइलस्टोन 1 नहीं है। माइलस्टोन 1 के अंदर ये जो आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना नीचे, ये सारे जो आपको सब्जेक्ट ब्लू इंटरफेस में जो दिख रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स के आपके मॉड्यूल 1st के असाइनमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। गॉट माय पॉइंट? उसके बाद हमारा, अब सपोज जैसे मैं रिसर्च बिजनेस रिसर्च मेथड्स के ऊपर आई हूं, मैं यहां पर स्क्रॉल डाउन करूंगी। यहां पर मेरा असाइनमेंट आप देख सकते हो, मेरा 1st मॉड्यूल असाइनमेंट है। सो मैं यही करना चाह रही थी, बट आई थॉट कि एक वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए, पता लग सके, आइडिया लग सके। आप ये देख सकते हो कि असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस हमें दे रखे हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, एंड हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, मतलब 10 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के, और 4 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, ठीक है। द टोटल टाइम अलॉटेड फॉर दिस सेक्शन इज 180 मिनट्स, 3 आवर्स का हमें टाइम अलॉट होता है। वंस इनिशिएटेड द असाइनमेंट्स नीड टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 आवर्स। आप इसको विंडो को क्लोज नहीं कर सकते अगर आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया अटेम्प्ट क्विज नाउ, ठीक है। अटेम्प्ट क्विज नाउ पर जैसे क्लिक कर दिया, आप इसको बैक नहीं सकते। अदरवाइज अगर आप बैक कर दोगे, सबमिट कर दोगे, आपका जो ओवरऑल जो आपको ग्रेड मिलेगा दैट विल बी 0, ठीक है। तो आपको फिर अपने असाइनमेंट्स दोबारा आपके एग्जामिनेशन के बाद आपको रीअपियर करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि अभी रिसेंटली हमारा रिजल्ट भी आया था, तो रिजल्ट में भी काफी सारे स्टूडेंट्स को ना RSA आया था, मतलब रीसबमिशन ऑफ द असाइनमेंट्स। तो इस चीज से आप प्लीज बच के रहना, ठीक है। बाकी द मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर ईच असेसमेंट इज 30%। आपको सारे असाइनमेंट्स में 30% अपना मिनिमम स्कोर करना है, ठीक है। आप नीचे आप देख सकते हो द क्विज ओपन ऑन 29th मार्च को हमारे जो असाइनमेंट्स थे वो लाइव हुए थे, एंड द क्विज विल क्लोज ऑन 30th जून। तो हमारा 30 जून का हमारे पास फुल फ्लेज हमारी डेडलाइन है। 30 जून से पहले पहले हमें अपने सारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके अपना सबमिट करवाना है। आप ये आप देख सकते हो, ठीक है। मैं अटेम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करती हूँ। अब जैसे मैं अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करूंगी, आप ये देख सकते हो टाइम लिमिट हमें बता रहा है कि योर अटेम्प्ट विल हैव अ टाइम लिमिट ऑफ 3 आवर्स, एंड व्हेन यू स्टार्ट द टाइमर विल बिगिन टू काउंट डाउन, इट कैन नॉट बी पॉज्ड, सो आर यू श्योर टू स्टार्ट नाउ। मैं स्टार्ट अटेम्प्ट पे क्लिक करूंगी, आपको पता है कि टाइमर चलेगा साइड बाय साइड, ठीक है। अब ये मेरा, आपको पता है कि ये मेरा असाइनमेंट्स आ गया। इस तरीके से कुछ अपना मेरा असाइनमेंट का इंटरफेस शो होता है। अब जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल नया नया बहुत टेंशन हो रही होगी उन स्टूडेंट्स को, तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा बेसिक सा इंटरफेस होता है। यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं,
एंड यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है 30 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं, सॉरी 17 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। आप ये देख सकते हो हमारे पास नेविगेशन विंडो भी है, अब यहीं से अपने जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से डायरेक्टली इसको अपना एक्सेस कर सकते हो। हमारा ये नीचे टाइम चल रहा है, फिनिश अटेम्प्ट पे क्लिक करोगे आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। बट मेक श्योर कि आप अपना पहले सारे आंसर्स को टिक कर लें, क्योंकि ये सारे मल्टीपल बेस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज बेस क्वेश्चंस होते हैं, हमें सिंपल क्लिक यहाँ पर टिक टिक करना होता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ से हमारा 17 क्वेश्चंस है टोटली। अब मैं ये फटाफट अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको मिलती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें सबमिट कैसे करना है। अब गाइस आप ये देख सकते हो मैंने अपना पूरा असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ईजी असाइनमेंट्स होते हैं, तो ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये ओपन बुक असाइनमेंट्स आप कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमें कोई इंडिविजुअलेट तो कर नहीं रहा होता, तो फिर आप अपनी बुक्स की भी हेल्प अगर लेना चाहो, अपना थोड़ा इंटरनेट से रेफरेंस लेना चाहो, तो आप अपना ईजिली रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। अब ये सपोज मैंने अपना पूरा असाइनमेंट कर लिया है, हमारे पास 17 क्वेश्चंस थे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। मैंने अपना पूरा असाइनमेंट करने के बाद अब ये साइड पर आप देख सकते हो फिनिश अटेम्प्ट का हमें यहाँ पर ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ पर मैं सिंपली फिनिश अटेम्प्ट पे क्लिक करूँगी एंड उसके बाद मेरे मार्क्स आ जाएंगे। आप ये देख सकते हो फिनिश अटेम्प्ट पे मैंने क्लिक करा, हमें एक तरह का ये सेव वीडियो बताएगा कि हमने कौन कौन से असाइनमेंट अटैम्प्ट कौन कौन से क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करे हैं। समरी ऑफ अटैम्प्ट आ जाएगा, आंसर सेव्ड 17 के 17 मैंने क्वेश्चंस करे हैं, सो सबमिट ऑल एंड फिनिश। उसके बाद हमें यहाँ पर एक और बार ही क्लिक करना है, सबमिट ऑल एंड फिनिश पे हम फाइनली क्लिक करेंगे, सबमिट ऑल एंड फिनिश, कन्फर्मेशन मांगेगा ये, उसके बाद थोड़ा सा लोड होगा और उसके बाद हमारे नीचे स्क्रॉल डाउन करके मार्क्स आ जाएंगे। आप ये देख सकते हो बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव स्कोर्ड 30 out of 30 मार्क्स। सो बहुत इजी असाइनमेंट्स होते हैं, यू कैन इजीली स्कोर वेरी गुड इन दिस असाइनमेंट्स, बिकॉज आपके असाइनमेंट्स ही मेन स्कोरिंग है। तो ट्राई कि आप अपना सबसे बेस्ट टू बेस्ट अपना असाइनमेंट्स पर परफॉर्म करें, बिकॉज असाइनमेंट्स बहुत ईजी होते हैं और आप अपना किसी से हेल्प भी लेना चाहो तो देन आप अपना ईजिली अपना हेल्प भी ले सकते हो फ्रॉम द बुक्स एंड फ्रॉम द इंटरनेट एक्सेट्रा। सो आई होप कि मैंने काफ़ी हद तक बता दिया होगा आपको, एटलीस्ट आपको बेसिक क्लैरिटी तो होगी कि किस हिसाब से असाइनमेंट्स होते हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, प्लीज़ अपना कमेंट में अपनी इंक्वायरीज को ड्रॉप करो, आई विल श्योरली हेल्प यू। बाकी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आई विल मेक इट। सो दिस इज़ फॉर द डे, सी यू ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो।